मेरे से तो चला नहीं जा रहा। और मेरी गर्दन, शरीर पूरा कड़ गया है। ओ जी, हाँ जी, अब ये हाल है तो आगे क्या होएगा? जी बापरे, क्या हाल है? मुझे देखो सामने ना अटल भाई सब खड़े हैं। कुछ चक्कर चला, कैसे बिना बात घुमा फिरा के ना मैच कैंसिल करवा दो। ओए, तुम मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओए, हुण वेखी ये मैच खुद ही कैंसिल करेगा। ओए, तू चुप जा। ओए सुनी जी। हाँ जी। शेरी साहब इधर ही आ रहे। तो क्या करूं मैं? कोई भी बहाना बना के मैच कैंसिल करवा दीजिए ना प्लीज। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। आप अंदर छुपे रहिए, मैं जाके बात करता हूं। हाँ, ओके। अब तो बस मूंछों में ही जान बाकी होगी है? शरीर में तो गांठे पड़ गई होंगी, गांठे। श्रीमान मैकेनिक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, हम हनुमान भक्त हैं और देसी घी पीकर बड़े हुए हैं। और तो क्या हम पेट्रोल पीकर बड़े हुए हैं? ओए होए, ओए, बड़ी दया सी आ रही आज तेरे को देख के। जा ओए, माफ किया तेरे को। तेरे से नहीं होगी ये कबड्डी शबड्डी, हैं? विड्रॉ कर दे, मैच कैंसिल कर दे। ओए, कैंसिल। ईमान मैकेनिक जी, आपका ये कबड्डी स्थगित करने का विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु आप पेट्रोल पीकर ही बड़े हुए हैं। कभी देखा है खुद को? मेरी दृष्टि से दया के पात्र आप हैं। ओए महासंस्कारी, अपना ये चेहरा आईने में देख। तेरी इतनी हैसियत नहीं है हम पर दया दिखाने की। आई बात समझ में? श्रीमान मैकेनिक, दर्पण आप देखिए, सत्य बता देगा। अरे, कबड्डी के मैदान में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ जी, गलत रास्ता पकड़ लिया। ओए, ये तो हद ही हो गई। हूं तू वेखी, कल तेरे को मैदान में पटक 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 के खत्म कर दूंगा। कबड्डी के मैदान में कौन किसे गिरा के भगाता है वो पता चल जाएगा। आजा मैदान में। हाँ तो देख लेना। ओए, हाँ देख लेंगे। देख लेना क्या? नीचे गिरेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और तेरे को ऊपर पहुंचा बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। कबड्डी, 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 कबड्डी। खिलाड़ी भी हैं, मैदान भी है, मगर रेफरी कहाँ है? रेफरी के बगैर हार जीत का फैसला कौन करेगा? ऐसा करते हैं, मैं रेफरी बन जाता हूँ। नहीं तो तू क्यों भाई? तो तू यार क्यों लेंटर लगा रहे हो? आप चले गए तो चार बंदे रह जाएंगे, दो बंदे दो बंदियां। प्लीज यार ऐसा मत करो। और पिताजी, आपके जाने से हमारी टीम तो बिल्कुल निर्बल और दुर्बल हो जाएगी ना।
कभी कभी अपने निर्बल दुर्बल बाप के लिए भी सोच लिया कर। अरे आप लोग रेफरी शेफरी की चिंता मत कीजिए, मैंने रेफरी और कमेंटेटर बुला लिया है। वाह, हाय एवरीवन, हेलो हेलो। ये तो रेफरी है, कमेंटेटर का है वो भी, यही है 2-in-1। ओ जी, आप लोग मुकाबले के लिए तैयार है कि कुछ और हसरत भी बाकी है? नहीं, सब कुछ अब तो ठीक ठाक ही लग रहा है। शुरू करते हैं। भाइयों और उनकी बहनों और मेरी प्यारी भाभियों, मैदान खिलाड़ियों से कच्चा कच भरा हुआ है और ऑडियंस के नाम पर सिर्फ मैं। लेकिन मैच शुरू करने से पहले रूल्स जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ दो पाले हैं, एक पाला शास्त्री परिवार का, दूसरा पाला चोपड़ा फैमिली का। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने अपने बच्चे को पाला है, वैसे ही इन्होंने भी अपने बच्चे को पाला है। ओहो ओहो, मुझे तो लगता है कि मैच शुरू होने से पहले ही भाभी जी के होश उड़ गए। भाभी जी, पाले का मतलब होता है कोट, हिस्सा, भाग। एक भाग आपका, दूसरा भाग दुश्मन का। पता है, मजाक कर रही थी, पता है मुझे। और देखना हम कैसे भगा भगा के इन्हें हराएंगे। चलिए अब काम की बात करते हैं। सभी खिलाड़ी अपने अपने पाले में रहकर दुश्मन के पाले में रेड करेंगे। दुश्मन का खिलाड़ी जब आपके पाले में रेड करने आए तो उसको दबोच लो। जब जब आप दूसरे खिलाड़ी को आउट करेंगे तब तब आपको एक पॉइंट मिलेगा। और आपका खिलाड़ी यदि बाहर गया हुआ है आउट होके, वो भी वापस अंदर आ जाएगा। फाइनल जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो कहलाएगा विनर। हम लोग होंगे विनर। जो जीता वही सिकंदर, और जो हारा वो बंदा। जीतेगी वे जीतेगी, शास्त्री की टीम जीतेगी। अच्छा भाई साहब, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपने बता दिए, लेकिन ये भी बता दीजिए विनर को मिलेगा क्या? जीतने वाली टीम को कुछ नहीं मिलेगा, हारने वाली टीम को मिलेगा। मतलब जो टीम हारेगी उसके कैप्टन को जीतने वाली टीम के कैप्टन का एक दिन के लिए पर्सनल सेवक बनना पड़ेगा। क्या बात है? ये मतलब है? अरे मतलब हारने वाली टीम के कैप्टन को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो जीतने वाली टीम का कैप्टन कहेगा। तब तो हम ही जीतेंगे, कम से कम एक दिन के लिए ही सही। आप जैसी परफेक्ट सेवक हमारे घर की शोभा तो बढ़ाएगी। बबली बहन, कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन लेकिन की लेकिन लेकिन मेरे पति के संस्कार बीच में आ जाते हैं। अरे तुम दोनों बस भी करो, ये तो मैच के बाद पता चल ही जाना है कि कौन किसका सेवक बनेगा। अच्छा रेफरी टेंटर जी, मैच शुरू कराइए। रेफरी टेंटर? हाँ जी, रेफरी और कमेंटेटर, सिंपल रेफरी टेंटर। क्या बात है जी। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। मौसम साफ है, आसमान ब्लू है, हवा सर्द गर्म है, तो क्यों ना टॉस के साथ शुरुआत करते हैं गेम की। दोनों टीम के कैप्टन मैदान के बीचों बीच आ जाएं। जा 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 जा, ऑल द बेस्ट। जा मम्मी 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 भाभी 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 बाबले बाबले। ओके, अब ये सिक्का आसमान में उछालेंगे। जो टॉस जीतेगा वो रेड पहले करेगा। ये नहीं हो सकता। ये सिक्का हवा में नहीं उछल सकता। तो क्या टॉस करने के लिए तुझे उछालेंगे? ये सिक्का लक्ष्मी देवी का स्वरूप है और इसे इस तरह हवा में उछालना पाप है। ओए होए, तू तो धरती पे ही बोझ है। अरे बोझ तो तुम पर चलेगा पाप का। हैं? ओ हो, मुझे बोलते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि सदियों से इस मैदान में ये रेफरी ये पाप करता है।
लेकिन आज ये पाप यहाँ पर नहीं होने दूंगा। और भी कई तरीके हैं हमारे पास टॉस करने के लिए। तो जनता जनार्दन जानना चाहती है कि और कौन सा तरीका है। बताता हूं, आप हटिए। ये वही तरीका है जो हम सब बचपन में इस्तेमाल कर चुके हैं। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हो गया, मोहिनी जी हार गई और बबली जी जीत गई। परंतु कुछ नहीं, टॉस हो चुका है, बबली जी जीत गई है। मेरे होते हुए लक्ष्मी जी का अपमान मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अटल भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हम जीत गए तो रेड भी हम करेंगे पहले। ठीक है, आ जाओ मैदान में, आ जाओ, आ जाओ, चलो रेडी हो, रेडी, आ जा, आ जा। जीता रहे बेटा, थैंक यू। तुम्हारा फेस देख के ऐसा लग रहा है तुम कुछ गड़बड़ करने वाली हो। प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो हमारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। डॉल, वो देखो सिमरन बुआ को, ऐसा लग रहा है अपने ससुराल के लिए जान भी दे देंगी। राहुल, जिसे जो करना है वो करे, मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना, समझे? सिमो जी, देखिए प्रीत कितनी हिम्मत के साथ अपनी फैमिली को जिताने की कोशिश कर रही है, आप ही जरा दम लगा के खेलना। हाँ, मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। आहा, बड़े टेढ़े, अपनी फैमिली की तो कितनी फिक्र, लेकिन मेरी फैमिली की बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपकी फैमिली को अपना लिया, लेकिन लगता है आपके लिए तो मेरी फैमिली कुछ लगती ही नहीं है। और लगती है जी, लगती है, बहुत लगती है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए कुछ ज्यादा लगती है। मतलब मेरी फैमिली की इज्जत कम लगती है? दोनों बराबर लगते हैं जी। दोनों बराबर लगते हैं? अगर दोनों बराबर लगते होते ना तो आप जाकर मेरी फैमिली की टीम से खेलो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ऊपर वाले ने पहले ही से मेरे गले के मामले में मुझे फंसा दिया है, अब आप मुझे इज्जत के मामले में मत फंसाइए। हाँ, जाके खेलो सिमो जी, हाँ दम लगा के कबड्डी। मेरी फैमिली की बात आती फंस गए, शाम को घर आओ, खाने का इतने वाला नहीं दूंगी मैं आपको। सिमो, दोनों फैमिली अपने अपने पाले को संभाल चुकी है और ये चोपड़ा फैमिली अटैक करने के लिए तैयार है। और ये क्या, शास्त्री फैमिली के वरिष्ठ खिलाड़ी अटल शास्त्री कुछ मंत्र पढ़ते हुए, और ये चोपड़ा फैमिली का शरीर चोपड़ा अटैक करने के लिए शास्त्री परिवार की तरफ आगे बढ़ चुका है। चलो गड्डी आंधी है, छलांग मार दी। शेरी क्या कर रहा है, कबड्डी खेलनी है, लंगड़ी नहीं। अच्छा जी, असी पंजाबी आ तो वीर जी पंजाबी स्टाइल में कबड्डी खेलेंगे, भंगड़ा पाके। चुप कर, बड़ा आया पंजाबी स्टाइल। ओ शरीफ पाजी, भांगड़ा करने लगे, अब इस खेल को भांगड़ा कबड्डी का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, कबड्डी 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 कबड्डी, चल कबड्डी 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 शेरी, चल 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 कबड्डी 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 कबड्डी। और ये कबड्डी के इतिहास में पहली बार पराठों का इस्तेमाल किया गया है, पराठों की खुशबू ने शरीर पाजी पर गहरा असर किया है। आउट। ओए शेरी, आके कितना है, तेरे चटकारों ने नाक कटा दी हमारी। बिल्कुल बाहर, आउट।
ये क्या किया आपने? ये क्या किया? हाँ? आप उन पराठे खिलाते खिलाते मैंने अपनी जान आधी कर दी, फिर भी फिसल गए उन पड़ोसन के पराठे पे। आपको शर्म नहीं आती? चीटिंग की। चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग। फ्रॉड किया मेरे साथ। आप फ्रॉड बन गए। ओ पाबी, पाबी पंजाबी आदमी परांठों से नहीं फिसलेगा तो किससे फिसलेगा? तू ही आ जाओ। चुप कर। आया पंजाबी। अब बारी है शास्त्री परिवार की। देखते हैं शास्त्री परिवार की तरफ से अटैक करने के लिए कौन जाता है। अब आएगा मोहल्ले का और शास्त्री परिवार का सबसे दंडाल लौंडा राहुल शास्त्री। विजय भव बेटा। विजय भव। डॉल, गुड लक विश नहीं करोगी? गुड लक। लेकिन अगर मेरी फैमिली में से किसी को भी छुआना फिर देखना मैं क्या करूंगी। एक दो तीन चार बट्टू करेगा बंटा धार। क्या बेटा बंटा धार करके आ जा पुत्र आ जा। कबड्डी कबड्डी वाला, कबड्डी कबड्डी वाला। अब शास्त्री परिवार की ओर से राहुल ने अपने ससुराल वालों पर अटैक कर दिया है। अब देखते हैं कि ससुराल वाले राहुल का स्वागत अटक के करते हैं या पटक के करते हैं या जटक के करते हैं। पकड़ बेटा पकड़। आशीर्वाद देने के चक्कर में राहुल की सासू माँ एक पॉइंट गवा बैठी। आखिर दामाद दामाद होता है, ये राहुल ने दिखा दिया। लेटू तो तू भी खा ले। सॉरी जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई सी। इमोशनल हो गई तो आशीर्वाद दे रही है। डॉल, मैं तो आशीर्वाद लेकर वापस ही आ रहा था, अब मम्मी जी ने मुझे खुद ही छू लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। खबरदार सावधान, अब चोपड़ा परिवार की तरफ से सबसे मजबूत खिलाड़ी अटैक के लिए तैयार है। बाबूजी, इन्हें पकड़ने के लिए तो आप ही कुछ कीजिए, हम इन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? ये तो हमारी माँ समान है। अरे बेटा, अब मुझे भी तुम्हारी अम्मा समान ही लगती है। बहुत पकड़ने की कोशिश की है मगर हाथ ही नहीं आती, क्या करूँ? हम कुछ नहीं जानते बाबूजी, अब सब कुछ आपके हाथ में, संभालिएगा। धूल के गुब्बार के बीच से शेरनी की तरह निकलती हुई दादी। शास्त्री फैमिली की धड़कनें तेज है। शास्त्री फैमिली बिक्की बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। वो दुविधा में फंसे हैं कि आखिर दादी की वार से कैसे बचा जाए। और दादी अटैक पे अटैक कर रही है। आपको दोस्ती का वास्ता है, मुझे नहीं छुएगा। कबड्डी 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 कबड्डी। चाची, कल से योगा आना छोड़ दूंगा मैं, बोल रहा हूँ। और ये शास्त्री परिवार के एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाती हुई दादी। चोपड़ा फैमिली को पहली बार मिला सेलिब्रेशन का मौका। ओ बले 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 बले। ओ राहुल, तू तो हो गया ठा ठा टा टा। दूर देश में पड़ गई ठंड, बट्टू तेरी फिर हो गई झंड। कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात, हम लोग है ना। आ जा आ जा, ठीक है ठीक है। बहू, अब तुम्हारे ऊपर है शास्त्री परिवार के सम्मान की जिम्मेदारी। जाओ जाके इन सबको धूल चढ़ा दे। जा बेटा, जा बेटा, जा। बेस्ट ऑफ लक। प्रीत प्लीज, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। उसे ऐसा फील आना चाहिए कि मायके में छुट्टी मनाने आ रही है। जहां से मैं मत आना पुत्र वधु, जहां से मत आना, धूल चढ़ा दे।
अरे उठ बेटा उठ, तेरी ससुराल की इज्जत का सवाल है, उठ जा। उठ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.